हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि थ्री डायमेंशनल ज्यामिति। वैसे हम लोग क्लास 11th में भी त्रिविमीय ज्यामिति को पढ़े हुए थे, शॉर्ट में से 3D ज्यामिति भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए थे, सारा इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। तो पहले आपको क्लास 11th का त्रिविमीय ज्यामिति अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्लास 12th के त्रिविमीय ज्यामिति को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ हमें क्लास 12th में त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड तीन चैप्टर्स को पढ़ने हैं। केसी सिन्हा बुक में तीन चैप्टर्स बना दिए गए हैं, जहाँ एनसीईआरटी बुक में एक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ कौन कौन सा है जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं? दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका सरल रेखाएं, और इसका अगला चैप्टर है आपका समतल। तो ये तीन चैप्टर्स आपके केसी सिन्हा बुक में दिए हैं, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का। लेकिन अगर आपको डीपली इसके बारे में जानना होगा तो क्लास 11th का 3D चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखेंगे, तभी आपको क्लास 12th अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैं बस ओरली इसमें बताने वाला हूँ, क्लास 11th को के जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके 12th में यूज होने वाले हैं, उसको मैं ओरली जल्दी जल्दी समझा दूंगा और मैं सीधे अपने टॉपिक्स पे आ जाऊंगा, अपने चैप्टर्स पे आ जाऊंगा। चलिए हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के लिए पहले कार्तीय निर्देशांक पद्धति को समझ लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, इसके बारे में मैं आपको क्लास 11th में भी बता चुका हूं, है ना। ओरली मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के साथ भी बताया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग इसमें करते क्या है कि असमतलीय सरल रेखाएं लेते हैं। किस प्रकार से लेते हैं? ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, ये आपका वाई एक्स हो जाएगा, और ये जेड अक्ष हो जाएगा। एक्चुअल में क्या करते हैं, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, ठीक है। तीनों को एक दूसरे क्या करते हैं, लंबवत। जैसे आप एक दीवार का कोना देखते हो ना, दीवार का कोना, ये नीचे वाले तल का ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, और ये जो ऊपर जो चला जा रहा है, ठीक है, ये जेड अक्ष हो जाएगा। तो एक दूसरे पर तीनों लंब होते हैं। आप दीवार के कोना पर देखेंगे तो वहां तीनों क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहां भी आपके तीनों एक दूसरे पर लंब होंगे, ठीक है। इस तरह से इन रेखाओं का हमने फैला है कि ये एक दूसरे पर लंब होंगे, ठीक है। अगर हम इस एक्स को जो यहां देख रहे हैं, एक्स अक्ष जो देख रहे हैं, इसको पीछे की ओर लेके चले ऐसे, वाई एक्स को भी इधर ला सकते हैं, इधर लेके चले हैं, और ये जेड अक्ष को भी इधर लेके चले हैं। ये मैं इनको डॉटेड कर दूंगा ताकि समझ में आए आपको, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, इनको डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक्स के विपरीत है, तो इधर एक्स डैश लिखेंगे, और मूल बिंदु इसे कहेंगे, तो इसे ओ लिख देते हैं। ये जेड के विपरीत है, तो यहां पे जेड डैश लिखेंगे। ये वाई के विपरीत है, तो यहां पे वाई डैश लिखेंगे। तो इनको हम लोग डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। अब सोचोगे कि सर ये किस तरह से फैला है, समझिए। यहां पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझना होगा। देखो यार, अगर आप एक डंडा लेते हो, डंडा पकड़ लो ऐसे, ठीक है, इस तरह से रख दो, और उसके ऊपर एक दूसरा डंडा ऐसे रख दो, और एक ऊपर नीचे ऐसे डंडा रख दो आकाश में कहीं पर, इस तरह से जब फैलाओगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, इसी प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसी प्रकार के, सारे एक दूसरे पर लंब होंगे। ये इस पर लंब होगा, सब एक दूसरे पर लंब होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति ही आपकी क्या कहलाएगी, कार्तीय तल कहलाएगी। त्रिविमीय ज्यामिति के लिए क्या कहलाएगा, कार्तीय तल। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। यह वाला जो देख रहा है, ये आपका पूरा एक्स अक्ष कहलाएगा। XOX जो है ये आपका एक्स अक्ष कहलाएगा। उस तरह YOY जो है आपका वाई एक्स कहलाएगा, और ZOZ जो है ये आपका जेड अक्ष कहलाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए ना 11th का जाके पढ़ लोगे आप, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बता रखा है। वैसे तो आप पढ़े होंगे 11th का, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहां पे जाके आप देख लेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से जब आप एक दूसरे को फैलाओगे ना, तो इसमें आठ ऑक्टेंट बनते हैं, ठीक है, आठ अष्टक बनते हैं। जैसे द्विविमीय ज्यामिति में चतुर्थांश होते थे ना, एक दो तीन चार, चार चतुर्थांश होते थे, इसमें आपके कितने होंगे, आठ अष्टक होते हैं, यानी कि ऑक्टेंट कहा जाता है इसमें, ठीक है। वो किस प्रकार होते हैं, तो हम लोग इसमें नाम दे सकते हैं, ओ एक्स वाई जेड, पहला ओ एक्स वाई जेड, ये रहा ओ, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड, यानी कि ऊपर यहां पे जो तल बनेगा, ठीक है, है ना, उसके क्या कहेंगे आप, अष्टक कहेंगे, वो पहला हो जाएगा, पहला अष्टक हो जाएगा, और इसका चिन्ह होगा प्लस प्लस प्लस। आप जानते हो जहां पे आपका एक्स वाई जेड जो दिया है वो पॉजिटिव हो गया, और जहां एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिए हैं वो निगेटिव की तरफ इंगित करते हैं, आपको पता है। दूसरा हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई जेड, तो ये किसके लिए हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस। उसी तरह से हो जाएगा ओ एक्स वाई डैश जेड, ऐसे लिख सकते हैं, इसका चिन्ह उसी के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस का है, वाई डैश है तो माइनस, और फिर आपका प्लस। फिर अगला हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड डैश, ठीक है, अगला अष्टक हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। फिर अगला हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, यानी कि आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। फिर अगला आ जाएगा ओ एक्स एक्स डैश वाई जेड कर देते हैं, एक्स डैश वाई जेड डैश कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अच्छा अगला लेते हैं ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, तो इसका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और एक और हो जाएगा आपका ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो आपके आठ ऑक्टेंट होते हैं और उनके चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को समझना होगा एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में आपका क्या होगा, जेड जीरो होता है, एक्स वाई तल, एक्स वाई तल किसको कहेंगे, एक्स ओ वाई को, एक्स ओ वाई, ऐसे एक्स वाई तल इसे कहेंगे, या आप सिंपली ऐसे लिख दो एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल में क्या होगा, जेड का मान जीरो होगा, यानी कि एक्स वाई तल का समीकरण जेड बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। वाई जेड तल का समीकरण एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष का जो नियामक होता है वह कुछ एक्स जीरो जीरो इस तरह से होता है, क्योंकि वाई और जेड वहां जीरो हो जाएंगे, तो एक्स का नियामक एक्स जीरो जीरो, वाई एक्स पे जो कोई बिंदु होगा तो उसका नियामक जीरो वाई जीरो हम लोग लिखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने, सारे कंसेप्ट आपको क्लास इलेवेंथ में क्लियर करा दिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती होगी तो आप जाकर त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर है क्लास इलेवेंथ का, उसको जाके पढ़ लो, ये सारे कंसेप्ट हम लोग के पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, दो तीन वीडियो इसी में लग जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें एक्सरसाइज भी तो खत्म करना है, और वैसे भी मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लास इलेवेंथ में, वहां बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली दिखाकर समझा रखा है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी तो पता है ये मूल बिंदु हो जाएगा, जैसे आप द्विविमीय ज्यामिति में देखते थे ना उसी टाइप का, बस इसमें आठ अष्टक हो जाते हैं, ठीक है। उसके निर्देशांक हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, निर्देशांकों के चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्लास इलेवेंथ वाले चैप्टर में जाके देख लोगे, जहां पे मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रखा है, तो वो बेहतर तरीके से पढ़ाया है उसमें, और ज्यादा बेहतर तरीके से, मैंने तो यहाँ ओरली आपको थोड़ा सा समझा दिया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा रिलेटेड टॉपिक है आज का, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये आपका चैप्टर है, 3D का पहला चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है, ऐसा लगेगा आपको कि सारा कंसेप्ट हमारे वेक्टर से ही है, वेक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए हैं और उसी को हम लोग यहाँ दोहराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थिति सदिश की, यानी पोजीशन वेक्टर की, स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग पढ़े हुए पोजीशन वेक्टर के बारे में, है ना जी, पोजीशन वेक्टर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, मैंने जब आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, यानी वेक्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था शुरुआत में ही, क्या बताया था जी, कि आपका ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ वाई अक्ष हो गया, और ये आपका जेड अक्ष हो गया, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं कि आकाश में कहीं एक बिंदु ले लेता हूं, ठीक है, आकाश में कहीं एक बिंदु ले लेता हूं P, और इसका निर्देशांक हमारे पास क्या दिया है, x, y, z दिया है, और ये आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली जो दिष्ट रेखा खंड होगी ना, वही क्या कहलाती है, आपकी स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी कि यहाँ जो OP है ना, वेक्टर OP जो है ना, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा बिंदु P के लिए, ठीक है। यानी कि किसी बिंदु की स्थिति सदिश मूल बिंदु से मिलाने वाली दिष्ट रेखा खंड होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखते थे, याद है आपको, सब कुछ हमने प्रूफ कर लिया है, एक्स वाई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ना हो जाएगा पोजिशन वेक्टर। यानी कि अगर किसी बिंदु बिंदु ए दे दे और उसका बिंदु दे दे निर्देशांक दे दे 2, 1, 3, तो अगर मैं कहूं कि ए का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, तो आप लिखोगे 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप, इसी तरह से ना लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने प्रूफ कर लिया था, प्रूफ किया था ना पिछले चैप्टर्स में, हमने ये सब चीज प्रूफ कर लिया, तो यहां मुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं ना तो पीछे का पीछे वाला चैप्टर भूल जाते हैं, इसलिए मुझे क्लास 11th का भी बताना पड़ा, नहीं तो मुझे ये दो रेखाओं के बीच का कोण जो है ना, ये वाली एक्सरसाइज बताने ही नहीं पड़ती, ये बताने ही नहीं पड़ती। मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताता हूं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हमने वेक्टर में भी पढ़ लिया है और 3D पहले पढ़े हुए हैं, और दोनों को मिला दिया जाए ना तो ये हमारा एक्सरसाइज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, सारा कुछ अपने आप ही बन जाएगा। हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का भी सदिश देखा था ना, याद होना चाहिए आपको। चलिए फिर से एक बार और देख लिया जाए, ठीक है, एक बार और उसे मैं बता देता हूं, बस समझाऊंगा, सारा कुछ मैंने प्रूफ करा दिया है पहले ही, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। एक मैं बिंदु P ले लेता हूं जिसका निर्देशांक है एक्स वन वाई वन जेड वन, और एक बिंदु Q ले लेता हूं जिसका निर्देशांक है एक्स टू वाई टू जेड टू, दोनों आकाश में कहीं स्थित है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का जो स्थिति रेखाखंड का जो सदिश होगा, यानी वेक्टर PQ की बात करेंगे, तो हम लोग इसको बना चुके हैं। वेक्टर PQ निकालने के लिए मैंने प्रूफ कराया था, पहले हम लोग दोनों बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे P का और Q का, और फिर उसके बाद बनाए थे हम लोग, याद होना चाहिए, त्रिभुज के योग के नियम पे इसको दिखाया गया था कि यहाँ पर वेक्टर OP प्लस में वेक्टर PQ बराबर हो जाएगा वेक्टर OQ के, त्रिभुज के योग के नियम से, और यही जाके इसमें घट जाएगा। तो PQ बराबर में हम लोग फाइनली प्रूफ किए थे पिछले एक्सरसाइज में, x2 माइनस एक्स वन आई कैप, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां जो आपका दिक अनुपात कहलाता है, दिक अनुपात, वह दिक अनुपात क्या होता है, तो वो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और ये भी बताया था कि दिक अनुपात को प्रायः ए से बी से और सी से सूचित किया जाता है, ए बी सी से सूचित किया जाता है। यानी कि यह ए हो जाएगा पहला, दूसरा वाला आपका बी हो जाएगा, बी बराबर में हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, और तीसरा जो है आपका सी हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं, और फिर अगर बात करें इसके इसके दिक अनुपात हो गया तो दिक कोज्याए की, डायरेक्शन कोसाइन की, तो हम लोग क्या करते थे इसके मैग्नीट्यूड से इसमें भाग कर देते, तो हम लोग दिक कोज्याओं को LMN से सूचित करते थे, LMN से सूचित करते थे, और L बराबर में होता था X2 माइनस X1 PQ का मैग्नीट्यूड, M बराबर होता था Y2 माइनस Y1 और मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, और N बराबर हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, ठीक है। या हम लोग यह भी जानते थे कि वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर निकाल दो तो उसके मैग्नीट्यूड में भाग गुना है ना, भाग कर देते थे उसी वेक्टर में, तो हमारा यूनिट वेक्टर ऐसा था, और उसी यूनिट वेक्टर के अदिश घटक जो होते थे वो आपके दिक्कोज्याएं कहलाते थे,
हम लोग यह भी जानते हैं कि दिक्कुजाओं के वर्गों का योग जो होता है ना एक के बराबर होता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पहले ही। चलिए तो इस थोड़ा सा रिवाइज में कर रहा हूं क्योंकि सारा कुछ हमें एक्सरसाइज में यूज करना है। वेक्टर में हमने यह भी देखा था कि मान लीजिए यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये आपका जेड अक्ष हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं दर्शा देता हूं एक्स वाई और ये आपका जेड, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि कोई बिंदु है पी, ठीक है, जो एक्स वाई जेड अक्षों के साथ, जो एक्स वाई जेड अक्षों के साथ अलग अलग कोण बनाती है। ऐसे मैं मूल बिंदु से इसे मिला देता हूं, तो यहां एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण जो है अल्फा है, वाई अक्ष के साथ बना हुआ कोण बीटा है और जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण क्या है, गामा है। तो ये अल्फा बीटा गामा जो होते थे दिक कोण कहलाते थे, क्या कहलाते थे, दिक कोण कहलाते थे, ठीक है। और इनका कोसाइन वैल्यू दिक अनुपात, दिक कोजाइन कहलाती थी, कोसाइन वैल्यू, और उसे एल एम एन से शुरू करते थे, एल बराबर में कॉस अल्फा, एम बराबर में कॉस बीटा और एन बराबर में कॉस गामा। ये सब चीज हम लोग प्रूफ किए हैं ना क्लास, है ना, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये भी मैंने बताया था कि इनके वर्गों का योग किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, इसका दिक कोजाएं क्या होंगी, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसकी दिक कोजाएं क्या होंगी, ठीक है। तो मान लो एक्स अक्ष पे जब कोई बिंदु होगा, कोई भी बिंदु हो, मान लो उसका निर्देशांक एक्स जीरो जीरो ले लेते हैं या ए जीरो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे ये बिंदु का बिंदु तो ये हो गई ए जीरो जीरो, लेकिन यहां पे अगर बात करें कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का दिक कोज्याएं क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा जब एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होगा, तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित होगा तो वह एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा। लिख देते हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो वह एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः 0, 90 तथा 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पे स्थित है तो वह क्या करेगा, एक्स अक्ष पे 0 कोण बनाएगा, वाई अक्ष के द्वारा 90 कोण बनाएगा, जानते हैं ना जी लंब होगा तो, और जेड अक्ष भी क्या करेगा इस पे 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। देख लो एक्स अक्ष भी 90 का कोण बनाएगा, एक्स अक्ष पे 0 कोण बनाएगा क्योंकि उसी पे स्थित है, सॉरी एक्स अक्ष के साथ 0 कोण बनाएगा, वाई अक्ष के साथ 90 और जेड अक्ष के साथ भी क्या बनेगा 90। सोच रहे ना, इस पे जब बिंदु है तो एक्स अक्ष के साथ तो 0 कोण बना और वाई अक्ष कितना बनाएगा, यहाँ पे पता है कि इस पे लंब होगा 90 और जेड अक्ष भी इस पे लंब होता है 90, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो एल बराबर मैं कहूंगा कॉस 0, एम बराबर मैं कहूंगा कॉस 90 और एन बराबर भी क्या कहूंगा कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 0 का मान तो 1 हो जाएगा, ये आपका 0 कॉस 90 0 कॉस 90 0, यानी कि एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, दिक कोजाइन होगी, वह 1 0 0 हो जाएगा। उसी तरह वाई अक्ष के साथ क्या हो जाएगा, किसी बिंदु का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 और जेड अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। समझ में आया। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप याद रखोगे एकदम, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आकाश में एक बिंदु स्थित है, ठीक है। चलिए इसको समझेंगे, यहाँ पे हमें बस समझना ही है इस वीडियो में हम लोग, या इस एक्सरसाइज में, दो रेखाओं के बीच के कोण वाले एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ समझने वाले हैं। सब कुछ पहले से ही है, पहले से ही हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेता हूं मैं बिंदु P है और वहां पर उसका निर्देशांक ए बी सी दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसके पोजिशन वेक्टर की बात करूं, यहां से यहां पोजिशन वेक्टर की बात करूं, बिंदु P का पोजिशन वेक्टर, या पोजिशन वेक्टर जो होगा आप लिखोगे कि वेक्टर ओपी बराबर में सर हो जाएगा,
ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ ए बी सी क्या होंगे, दिक अनुपात होंगे, क्या होंगे, दिक अनुपात होंगे, ठीक है, ए बी सी। चलिए तो मैं यहां पर अगर बात करूं, चलिए, और मैं यहां पे अगर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो यहां हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं ओपी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की, तो वन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, वन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी और इनटू में वेक्टर ओपी, यही ना करता हूं, यानी कि वन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और इनटू में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, अलग अलग भाग कर देंगे यहां पर। तो ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस यहां पर हो जाएगा आपका बी बटा में, यहां आई कैप दे देते हैं, बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप और प्लस सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। तो अगर आपके पास दिक अनुपात दिया होगा, दिक अनुपात, ये देखो आपका यूनिट फैक्टर निकल गया, अगर आपके पास दिक अनुपात दिया होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकला तो इसके अधिक डायरेक्शन को साइन होंगे ना, यानी एल बराबर में आ जाएगा यहाँ ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर में हो जाएगा बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर में हो जाएगा सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझे ना। तो हम लोग यहां से एक और चीज समझ गए कि अगर दिक अनुपात दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला लगाकर भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जब दिक अनुपात ए बी सी दिया होता। अब एक्चुअल में ये जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। यह जो मान आ रहा है यहाँ पे आप प्लस माइनस में भी ले सकते हो, इसे हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको भी मैंने प्रूफ कराया था आपको पिछले चैप्टर जब वेक्टर बताया था ना, तो वहां पर, तो उसमें मैंने क्या किया था, हमें पता चल गया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में वन होगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, मैं इसको भी समझा देता हूं। मैं क्या कर देता हूं कि यहां से एक्स अक्ष पे एक लंब लेता हूं, एक्स अक्ष पे एक लंब लेता हूं, यहां पे लंब लेता हूं, परपेंडिकुलर लेता हूं, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर लेता हूं, यानी कि कुछ इस प्रकार से मैं वो आकृति लेता हूं, ये एक्स अक्ष हो गया, यहां से इस पे मैं लंब लेता हूं, पी बिंदु है, ये ओ है, यहां पे ए ले लेता हूं, इसका यहां से यहां तक की दूरी ए हो जाएगी क्योंकि इसका निर्देशांक ए जीरो जीरो आएगा। मैं यहां कोण कुछ मान लेता हूं, तो है ना, कोण मान लेता हूं, मान लो अल्फा मान लेता हूं, ठीक है, अल्फा कोण मान लेता हूं, और ये जो होगी ये लंबाई मैं आर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉस अल्फा लगाऊंगा तो ए बटा आर हो जाएगा, अगर कॉस अल्फा लगाता वहीं पे लिख दूं क्या, कॉस अल्फा लगाऊंगा तो ए बटा में आर, ठीक है, समझ रहे ना बात को, यानी कि ए बराबर में आ जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है, या इसको मैं इसको इसको हटाकर ही मैं सीधे लिख दूंगा एल, एल बराबर में क्या गया ए बटा आर कॉस अल्फा, यानी कि यहां जो कॉस इसका कोसाइन वैल्यू है ना आपका एल होगा, तो कॉस अल्फा एल क्या हो गया, कॉस अल्फा हो गया, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आया था ए बटा आर, समझे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, एम का आ जाएगा बी बट्टा आर और इसका आ जाएगा सी बट्टा में आर का होल स्क्वायर बराबर हो, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बराबर वन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, रूट अंडर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर यहां क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, तो यही यहां पर जो आप देख रहे हैं
कि हमने देखा कि L बराबर में A बटा R हो रहा है, M बराबर में B बटा R, C बराबर में N बटा R, ये सब हमने प्रूव करके देख लिया पहले ही, समझे ना। अब मैं ये R का वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस दोनों नहीं आ जाएगा, इसीलिए मैं यहां लिखता हूं प्लस माइनस A बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। M बराबर में प्लस माइनस B बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और n बराबर में प्लस माइनस c बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख रहे हो ना, हम लोग कई तरीके से, हम लोग पिछले चैप्टर में सीखे थे वेक्टर में कि आपके पास कोई सदिश दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसके अदिश घटक आपके क्या हो जाएंगे, आपका निकल जाएगा वहां से। या फिर हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अगर दिक अनुपात दिया हो तो वहां से हम फॉर्मूले पर रखकर भी डायरेक्ट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जितना कुछ देख रहे हैं ना, सब कुछ आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है, अगर वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नया कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझे ना। तो सारे कंसेप्ट आपके पहले से ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के दो तीन टॉपिक है, रेखाओं के बीच का कोण वाला टॉपिक जो है उसको मैं बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, ठीक है, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, है ना, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जल्दी से जाइए वेबसाइट पर।